तो कैसे हो मेरे इंडियन फुटबॉल के चाहने वालों, आई होप आप गाइस बहुत अच्छे होंगे। डिस्कस करेंगे आज डेली की तरह आज भी इस वीडियो में फॉर इंडियन फुटबॉल न्यूज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कहाँ हम हमारे नेशनल फुटबॉल टीम को खेलता देख सकते हैं इन हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप, एंड डिस्कस करेंगे अबाउट जो नवीन पटनायक जी है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने 3 स्टेडियम इनॉग्रेट किए इन ओडिशा, उसके बारे में आज इस वीडियो डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करेंगे अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल नेशनल टीम जो खेलने वाली है 28 मैन स्क्वाड के साथ सैफ चैंपियनशिप में। एंड डिस्कस करेंगे अबाउट हैदराबाद एफसी के न्यू हेड कोच जो बनने वाले थे कोरोन नेस्टोर, क्या वो हैदराबाद एफसी के कोच बनेंगे कि नहीं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं विद हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप। तो गाइस फाइनली AFF ने अनाउंस कर दिया कि कहाँ हम हमारे नेशनल फुटबॉल टीम को खेलता देख सकते हैं इन हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप। गाइस अगर हम ऐप्स की बात करें तो डिज्नी हॉटस्टार एंड जियो टीवी पर ये दोनों फ्री प्लेटफॉर्म है, या हम दोनों प्लेटफॉर्म पर फ्री देख सकते हैं इन हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप। एंड अगर गाइस हम बात करते हैं टीवी की, तो टीवी पर हम स्टार स्पोर्ट्स पर हमारे इंडियन नेशनल टीम को देख सकते हैं इन हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप। तो गाइस ये न्यूज थी फ्रॉम AIFF, फाइनली उन्होंने बता दिया कि कहाँ स्ट्रीम एंड ब्रॉडकास्ट होगा हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप। मूविंग टुवर्ड और नेक्स्ट न्यूज, तो गाइस वो आ रही है ओडिशा स्टेट के तरफ से। तो गाइस जो ओडिशा स्टेट के CM है नवीन पटनायक, उन्होंने कल 3 फुटबॉल ग्राउंड्स और स्टेडियम इनॉग्रेट किए हैं। उनके नाम है ओडिशा फुटबॉल अकेडमी, भुवनेश्वर फुटबॉल अकेडमी एंड गाइस ओडिशा का फुटबॉल अरेना। गाइस गर्ल्स के लिए भी ओडिशा में केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनकी फुटबॉल अकेडमी खुली जाएगी। और गाइस जो प्रोजेक्ट ब्लू कप्स है जिसके अंडर 4 ईयर से लेकर 12th ईयर के बच्चे खेलेंगे, उसके डेवलपमेंट के बारे में भी ये नवीन पटनायक ने काफ़ी कुछ सोचा है और हमें जल्द से जल्दी उसके बारे में एक्शन लिया जाएगा। तो गाइस ये न्यूज़ थी फ्रॉम ओडिशा FC, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट ओडिशा FC कर रही है। और अगर गाइस इंडिया के सारे स्टेट ऐसे ही फुटबॉल डेवलपमेंट करें तो गाइज जो हमारा विजन 47 है वो हमें काफ़ी जल्दी अचीव करने मिल सकता है। तो गाइज मूविंग टुवर्ड और नेक्स्ट न्यूज़, वो आ रही है पाकिस्तान फुटबॉल टीम की तरफ से। तो गाइज पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने 28 मैन स्क्वाड रिलीज कर दिए, जिसमें वो पहले खेलेगी 4 नेशन टूर्नामेंट इन पाकिस्तान, जिबूती, मॉरिशियस एंड केन्या के अगेंस्ट। तो गाइज पहले वो ये 20 मैन स्क्वाड खेलेगी 4 नेशन टूर्नामेंट में, एंड उसके बाद गाइज वो सैफ चैंपियनशिप 2023 में आएंगे। गाइज अगर हम बात करते हैं तो 28 मैन स्क्वाड में से टोटल 9 प्लेयर है जो यूरोप में खेलते हैं, 4 प्लेयर जो UK में खेलते हैं एंड 5 प्लेयर जो डेनमार्क में खेलते हैं। तो गाइज ये पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेगी वो जो जितने भी 9 फॉरेन प्लेयर्स हैं उन्हें वो सैफ चैंपियनशिप में खिलाए, एंड पाकिस्तान जो 4 नेशन टूर्नामेंट खेलने वाली है उसमें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि वो 9 प्लेयर्स को ही गेम टाइम दे। मूविंग टू और नेक्स्ट न्यूज़, तो गाइज वो आ रही है हैदराबाद FC की तरफ से। तो गाइज हैदराबाद FC के न्यू हेड कोच बनने वाले थे कोरोन नेस्टोर, वो अब हैदराबाद FC के न्यू हेड कोच नहीं बनेंगे क्योंकि कोरोन नेस्टोर के पास प्रो कोचिंग लाइसेंस नहीं था और इसलिए अभी हैदराबाद FC उन्हें हेड कोच नहीं बना सकती। लेकिन गाइज जो हैदराबाद FC के टेक्निकल डायरेक्टर थे थांगबोई सांगतो, तो गाइज वो अब कहीं ना कहीं से न्यूज आ रही है कि वो अब हैदराबाद FC के न्यू हेड कोच बनने वाले हैं। अगर गाइज हम बात करते हैं थांगबोई सांगतो की, तो गाइज उन्होंने ऑलरेडी केरला ब्लास्टर एंड ओडिशा FC की तरफ से टेक्निकल डायरेक्टर एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट संभाली थी। एंड गाइज जो शिलोंग लाजोंग क्लब है जो हाल ही में प्रमोट हुए हैं I-League 1 में, तो गाइज उनके तरफ से भी मैनेजर रह चुके हैं थांगबोई सांगतो। 2013 में थांगबोई सांगतो शिलोंग लाजोंग के मैनेजर रह चुके हैं। तो गाइज अब हमें क्लिफोर्ड मिरांडा के बाद कहीं ना कहीं ISL में सेकंड इंडियन कोच देखने मिल सकते हैं थांगबोई सांगतो। तो गाइज ये कुछ फुटबॉल न्यूज थी आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड गाइज आपके क्या सजेशन और ओपिनियन है आज के इस फुटबॉल न्यूज के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और ऐसे ही फॉलो करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं इंडियन फुटबॉल को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।